Today we will be starting with the stage of incorporation. Yesterday we discussed all the documents which are required for the incorporation of the company. So bete, once the legal formalities have been fulfilled, all the documents have been prepared, you go to the registrar, you give an application form along with the documents attached. Okay, then the registrar, when he sees that all the statutory requirements regarding the registration have been complied with, everything is okay, theek hai, he is satisfied with the completion of the formalities, he will issue you a certificate of incorporation. Now certificate of incorporation is considered as the birth certificate of the company. Jo certificate of incorporation hai wo company ka birth certificate hai, theek hai. So which means the company's birth has taken place, aapke paas certificate of incorporation aa gaya. Now it has become a company with a, you know, perpetual succession and a separate legal entity. Theek hai, so isiliye hum certificate of incorporation ko uska birth certificate bhi mante hain. All right, another thing which is to be noticed bete, registrar ne sirf ye dekhna hai ki sari legal formalities fulfilled hain, ठीक है, और वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा. उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी तो नहीं है. लेट्स से आप अकेले हो जो कंपनी फॉर्म करना चाहते हो, बट यू वांट टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अभी तक जिसके लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है. अभी आपको कोई दूसरा पर्सन नहीं मिल रहा, बट आपको अंदर से पता है कि कोई ना कोई मेरा फ्रेंड मान जाएगा, जब मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो वो मान जाएगा. लेकिन अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एमओए बनाना है. एमओए में कम से कम 2 पर्सन के साइन होने चाहिए, वो तो एक सिंगल पर्सन है. तो उसने क्या किया, उसने फॉर्जरी अटेम्प्ट कर ली, यानी अपने फ्रेंड का नाम लिख दिया, उसके आगे लिख दिए कि ये 50 लाख के शेयर ले लेगा, और आपने फेक साइन कर दिए. इसको कहते हैं फॉर्जरी अटेम्प्ट करना, किसी के बिहाफ पे साइन कर दिए, झूठ कर दिया, फ्रॉड है ये. अब ये फ्रॉड को पकड़ना रजिस्ट्रार का काम नहीं है. रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई नहीं करना है. ही इज जस्ट टू सी, जिस सीट पे वो बैठा हुआ है उसका काम सिर्फ ये देखना है क्या सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल हो गई है. इफ इट इज सो ही सेटिस्फाइड, ही विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, और जब बेटे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो रजिस्ट्रार जो है वो एक CIN इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इशू करता है. सो हर कंपनी का एक CIN होता है. कल को कोई वो टैक्स फाइल करते हैं, GST फाइल करते हैं, ठीक है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट से रिलेटेड या कोई भी अदर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें उनको अपना CIN फिल करना पड़ेगा. इट्स नथिंग, इट्स एन नंबर. जैसे आप एक इंडिविजुअल का आधार कार्ड नंबर होता है, सिमिलरली या इंडिविजुअल का पैन होता है, उसी तरह हर कंपनी का एक को एक आइडेंटिटी नंबर दिया हुआ, जिसको कहा जाता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. ये पहले नहीं होता था बेटे, ये November 1, 2000 से स्टार्ट हुआ है, यानी इट्स जस्ट बीन 20 ईयर्स सिंस वी हैव स्टार्टेड गिविंग CIN टू द कंपनीज. क्लियर बेटे? Now, next bete, what is the effect of certificate of incorporation? So effect yahi hai ki once the certificate of incorporation has been issued to the company becomes a separate legal entity with perpetual succession. Now the company has the authority to sign a contract. It can enter into contract with the third parties. It can own property in its own name. It can sue others. And it can be sued by others. ठीक है, एक separate legal entity बन गई है. So बेटे जो certificate of incorporation है वो एक conclusive evidence माना जाता है कि company incorporate हो चुकी है. Getting my point? Conclusive evidence मतलब ये एक evidence है, proof है कि company is existing. Now जब company को law ने कह दिया, उस बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया, तो कल को अगर ऐसा पता चले कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में कोई इररेगुलरिटी थी,
वही एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कंपनी फॉर्म करनी है लेकिन आपको कोई दूसरा पर्सन मिल नहीं रहा है, आपका साथी नहीं मिल रहा, तो आपने एमओए में अपने ही साइन फॉर्ज कर दिए, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रार को ये नहीं पता चला, उसने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया। इस कंपनी ने थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, इमेजिन वो थर्ड पार्टी से मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपनी कंपनी आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपकी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया और बाद में मुझे पता चला भी आपकी कंपनी जो है उसने फॉर्जरी अटेम्प्ट की थी, आपको गलती से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, ठीक है, अब मेरा क्या कसूर है, ठीक है, मेरा थर्ड पार्टी को, मैं तो एक अनसस्पेक्टिंग सी पार्टी हूँ, ठीक है, बाद में मुझे पता चला आपकी इनकॉर्पोरेशन ही वैलिड नहीं थी, इम्प्रॉपर नहीं थी, तो मेरा क्यों नुकसान होना चाहिए? तो क्योंकि मेरा थर्ड पार्टी को कुछ नहीं मालूम, थर्ड पार्टी को सेव करने के लिए लॉ की ये प्रोविजन है कि अगर कल को पता चलता है कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में कोई इररेगुलरिटी थी, ठीक है, तो भी कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग मानी जाएगी, उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई डाउट नहीं होगा। बेटे जिस पर्सन ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दिया, मैं अलाइव हूँ और मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रही हूँ, तो आप मेरे को मार नहीं सकते ना, आई एम एग्जिस्टिंग, आई एम हैविंग माई बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू किल मी एंड यू गेट माई डेथ सर्टिफिकेट, आई एम इन एग्जिस्टेंस, जब तक मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है मैं एग्जिस्टेंस में मानी जाऊंगी। इसी तरह कंपनी के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, वो कंपनी एग्जिस्टेंस में मानी जाएगी, ठीक है। हाँ, कल को अगर हम इस कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जिसको कहा जाता है बाइंडिंग का। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर पता चला कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया और बाद में पता चला कि ये फेक, कंपनी के ऑब्जेक्टिव इलीगल थे या कंपनी ने फ्रॉड किया था, तो हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को वापस नहीं ले सकते। रजिस्ट्रार ने दे दिया कंपनी को बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया, यानी कंपनी का बर्थ हो गया, अब कंपनी को मार नहीं सकते, ठीक है, आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वापस नहीं ले सकते, इवन इफ इट्स रजिस्ट्रेशन इज फ्लॉड, मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन में अगर कोई नुक्स भी है, इम्प्रॉपर है, या बाद में पता चला कि ये कंपनी जो है ये इलीगल काम कर रही है, इलीगल कामों के लिए इसने इनकॉर्पोरेशन कराई है, अगर पता भी चल जाता है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। वंस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन इशूड, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट कंपनी हैज टेकन प्लेस, बर्थ ऑफ कंपनी हैज टेकन प्लेस, ठीक है, सो द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज कि व्हाइल इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस, ठीक है, सो इस बात को प्रूव करने के लिए कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, आपको दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक आपको ये बताया है कि एक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो थे वो 6 जून को फाइल किए गए, एक कंपनी ने 6 जून को एप्लीकेशन फॉर्म along with the various documents registrar को दे दिया, ठीक है, registrar ने 7th को उसकी फाइल खोली और उसने देखा कि सारे documents हैं जो जो company act कहता है, MOA, AOA, consent of proposed directors, agreement, statutory declaration और fees भी pay कर दिए, ठीक है, these are in order, these are in line, everything is okay। उसने क्या किया, उसने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक टाइप किया, ठीक है, उसके ऊपर अपने स्टैंप लगाई, साइन किए और कंपनी को दे दिया। अब कंपनी ने जब वो रिसीव किया तो उसके, और दिया कब, 6 जनवरी को आप एप्लीकेशन दे के आए थे, 8 जनवरी में को उसने आपको बुलाया कि ये लो अब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, सर्टिफिकेट दे रहा है वो 8th को, लेकिन उसके ऊपर डेट डाल दी 6 जनवरी की,
ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 8 को, लेकिन डेट कौन सी डाली हुई है 6, और आपको पता है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले के सर्टिफिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, वो वैलिड नहीं होते, ठीक है। लेकिन अब इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन में क्या फ्लॉ था? फ्लॉ ये था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर डेट आनी चाहिए थी 8 जनवरी, लेकिन रजिस्ट्रार से गलती से डेट डल गई 6 जनवरी। तो अब उस कंपनी की बर्थ डेट 6 जनवरी ही मानी जाएगी। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 6 जनवरी को एंटर हुआ है तो उसको वैलिड ही माना जाएगा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट पर 8th होती जनवरी डेट तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता, लेकिन अभी क्योंकि सर्टिफिकेट पर ही 6 जनवरी डल गई है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये प्रिलिमिनरी नहीं माना जाएगा। ये कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के दिन ही हुआ है तो इसीलिए इसको हम वैलिड ही मानेंगे। इट्स जस्ट लाइक आपका बर्थ हुआ बेटे 8 जनवरी को, लेकिन जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर डेट गलती से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 6th लिख दी, ठीक है। तो आपका हर आप वही बर्थ सर्टिफिकेट अगर हर जगह देते हो तो आपका बर्थ 6 जनवरी का ही माना जाएगा, इवन इफ यू आर बॉर्न ऑन 8, बट अकॉर्डिंग टू लॉ यू विल बी कंसिडर्ड टू बी बॉर्न ऑन 6th। इज इट क्लियर? क्लियर बेटे? ओके, देन नेक्स्ट है बेटे, एक और एग्जाम्पल आपको दी हुई है इस चीज की कि अगर एक बारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया तो वो कंक्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। वो क्या है, आपको एग्जाम्पल दी हुई, एक पर्सन ने MOA के ऊपर सिग्नेचर्स फॉर्ज कर दिए। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी, मैंने साइन कर दी अपने फ्रेंड के, मैंने कहा कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो, बाकी की बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, बाद में मेरे फ्रेंड ने जाके कंप्लेंट कर दी रजिस्ट्रार को कि भी मैंने ये साइन नहीं किया था, ये फॉर्जरी किया इसने, आप देख लो क्या करना है, कंपनी को बंद कर दो। अब यहां पर रजिस्ट्रार कुछ नहीं कर सकता, इनकॉर्पोरेशन इज स्टिल कंसिडर्ड वैलिड, ठीक है। जो इनकॉर्पोरेशन है वो वैलिड ही मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है, अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनीज बर्थ हैज टेकन प्लेस। सो जो भी डेफिशिएंसी आती है रजिस्ट्रेशन की या रजिस्ट्रेशन में, एक बारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, इट इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कल को चाहे आपको ये पता चले कि सिग्नेचर्स फॉर्ज हुए हैं, या आपको ये पता चले कि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इलीगल है, तो यू कैनॉट टेक बैक द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नाउ द ओनली रेमेडी अवेलेबल हेयर इज टू वाइंड अप द कंपनी, इसकी वाइंडिंग अप कर दो। अब वाइंडिंग अप अगेन, जैसे फॉर्मेशन एक लीगल प्रोसेस है, वाइंडिंग अप इज अगेन अ लीगल प्रोसेस। सो हेयर वी हैव टू फॉलो ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। सो बेटे, नाउ दैट यू हैव गॉट योर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यू कैन कमेंस योर बिजनेस इफ यू आर रनिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी आपने मिनिमम 7 मेंबर्स से अपनी कंपनी स्टार्ट की है, ठीक है, और आपको कैपिटल जो है वो पब्लिक से सब्सक्राइब करनी है, तो कैपिटल, बिना कैपिटल के आप कैसे बिजनेस सेटअप कर सकते, खोल ही नहीं सकते, स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो वंस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ऑब्टेन्ड एंड यू आर फॉर्मिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यू कैनॉट येट स्टार्ट योर बिजनेस, यू हैव टू गो थ्रू द 3rd स्टेज। This stage is known as stage of capital subscription. What is capital subscription?
कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब कैपिटल को सब्सक्राइब करना पब्लिक से. आप यू हैव टू अरेंज फॉर दी फंड्स फॉर योर कंपनी. आपको अपनी कंपनी के लिए फंड्स का अरेंजमेंट करना है. वो कैसे करते हैं? पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज बेच के. सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनको बेच के आपके पास पैसे आएंगे, तो उस पैसों से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं. सो दिस इज दी थर्ड स्टेज, पैसों का अरेंजमेंट करना, दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन. नाउ कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज नॉट एन ईजी स्टेज. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, लॉट ऑफ स्टेजेस, लॉट ऑफ स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप बीइंग सेबी अप्रूवल. सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. बेटे जस्ट लाइक आरबीआई इज देयर, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो हमारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है, एपेक्स बैंक है. इसी तरह से कंपनीज के कंपनीज में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है विच इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, तो किसी भी कंपनी ने सेटअप होना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने, ठीक है, और उसको लोगों से पैसे लेने हैं. देखो बेटे कितना यहाँ पे सीरियस मामला है. आपकी हार्ड अर्नड मनी है, आप पब्लिक हो, हार्ड अर्नड मनी है. कोई आपको पता चला नई कंपनी खोली है, उसने अपना आईपीओ निकाला है, यानी वो अपने शेयर्स बेच रही है, तो किसी ने आपको सजेस्ट किया ऐसे करो, आपके पास जो 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं ना, आप शेयर में इन्वेस्ट कर लो, कल को आपको काफ़ी रिटर्न देंगे ये, तो एक साल में आपके 10 लाख के 12 लाख बन जाएंगे. ठीक है, तो आप शेयर को बेच के पैसे कमा लें. और अगर ऐसा हो, आपने अपने सारे उम्र लगा के जो 10 लाख रुपए बचाए थे आपने कंपनी के शेयर में लगा दिए, कल को पता चला वो कंपनी भाग गई, वो फ्रॉड थी, अब आपके 10 लाख रुपए भी गए, है ना. सो थिंक ऑफ इट, इंडिया में मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स भी हैं, ह्यूज इन्वेस्टर भी हैं. तो अगर आपके पैसे, हार्ड अर्नड मनी जो पूरी लाइफ आपने अर्न की थी बेटे, लाइफ लगा दी अर्न करने में, अगर उसको कोई लेके भाग जाए, सो इजंट इट इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर? इट डेफिनेटली इज. सो हु वुड परफॉर्म दिस ड्यूटी? सेबी. तो सेबी क्या करेगी बेटे? इसीलिए आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी है. हर कंपनी, कई बारी कंपनी भागेगी नहीं, लॉस में चली जाएगी. अब आपको पता ही नहीं था भाई ये कंपनी जिसमें आप पैसे लगा रहे हो ये लॉस में जा रही है, इसने लोगों की इतनी देनदारी देनी है, तो अब लॉस में चलेगी, फिर आपके पैसे डूब गए. ठीक है, तो बेटे इसीलिए सेबी कहती है कि हर कंपनी को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी कंपनी पब्लिक से फंड्स इनवाइट करती है, इट शुड मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, अगर आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता है कि ये कंपनी के इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, ये वाला बिजनेस ये कर रही है, इस बार इसने ये वाला बिजनेस सेटअप करना है, एवरीथिंग यू नो, तो देन इट इज इजी फॉर यू टू मेक योर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट. तो इसीलिए बेटे सेबी ने ये प्रोविजन रखी है कि जिस भी कंपनी ने पब्लिक से कैपिटल सब्सक्राइब करनी है उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी, और कोई भी मटीरियल इंफॉर्मेशन, मटीरियल मीन्स विच इज इम्पॉर्टेंट, कोई भी मटीरियल इंफॉर्मेशन उसने नहीं छुपानी है. तो अगर सेबी को लगता है कि हाँ ये कंपनी जो है ये मेरे से अप्रूवल लेने के लिए आई है, तो मैं देखूँ इसने सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की है इन्वेस्टर्स के लिए, प्रॉस्पेक्टस में सब कुछ लिखा हुआ है जो जो एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए बिफोर मेकिंग द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट. इफ एवरीथिंग इज ओके, कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इट हैज नॉट कंसील्ड एनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देन सेबी विल गिव इट्स अप्रूवल. Once the SEBI shows the green light, okay, now you are ready to
subscribe capital from the general public. Right. So this was the first step in the stage of capital subscription, which is approval of SEBI. अब सेबी ने आपको अप्रूवल दे दिया कि ठीक है भी ओके है आपका सब कुछ ठीक है आपने सारी इंफॉर्मेशन जो जो बतानी चाहिए थी लोगों को वो बता दिया आप अब इट्स ओके नाउ यू कैन रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक हाउ विल यू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक मैं अपने घर में बैठी हूँ आप अपने घर में बैठ के कंपनी का आइडिया सोच रहे हैं आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करा ली है ठीक है आपको लोगों से पैसे लेने हैं आपको लोगों को बताना पड़ेगा यू विल हैव टू इनवाइट the public for buying the shares ठीक है ना आप मैं तभी आपकी कंपनी के शेयर लूंगी ना अगर आप मुझे बताओगे आप मुझे कैसे बताओगे यू विल गिव मी एन इनविटेशन अब इनविटेशन ऐसे नहीं जैसे शादियों पे देते हैं कार्ड में है ना आजकल तो चलो व्हाट्सएप पे भी कार्ड आ जाता है या बाय पोस्ट आता है या घर में कार्ड देने आते हैं इस तरह से नहीं बिकॉज आवर इन्विटेशन इज ओपन टू द होल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एनी पर्सन कैन इन्वेस्ट इन अवर कंपनी इंडिया में 120 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें से बच्चे छोड़ दो बाकी की जो पॉपुलेशन है उसमें से कोई भी मेरी कंपनी के शेयर ले ले माई इन्विटेशन इज ओपन टू ऑल आपकी कंपनी के ले ले योर इन्विटेशन इज ओपन टू ऑल ठीक है सो आपको इन्वाइट तो करना पड़ेगा सो इन्विटेशन जो लोगों को दिया जाता है उसको कहा जाता है प्रॉस्पेक्टस So this becomes your second step in the capital subscription, filing of a prospectus. So you have to file a copy of prospectus or statement in lieu of prospectus. You have to file it with the registrar of the company. What is a prospectus? Now it is a document described or issued or as a prospectus including any notice, circular, advertisement, or any other document which invites deposits from the public theek hai so koi bhi ek bete advertisement hai koi bhi circular hai jo ki aap logo ko de rahe hain taki log aapki company ke share khareed sake theek hai anyone having doubt till now Yes, Vijay. Anyone having any doubt? Okay, this we will continue tomorrow then. किसी को कोई doubt है तो पूछ लो बच्चे.